तुम्ही डेली टू सेशन रीड करत असाल आणि प्रत्येक जण अंदाजे 28-27 पर्यंत पोहोचलं असावं. ठीक आहे, सेशन नंबर आपण 29 स्टार्ट करत आहोत. बुक में आज का सेशन और डेट लिखिए. ठीक है, फर्स्ट वन आपको सीखना है लाइक अ सेल्फी. आजकल सेल्फी निकालना, फोटो निकालना सबकी हैबिट हो गई है. मतलब सेल्फी हम लोग निकालते हैं मोबाइल से, मोबाइल में जो कैमरा रहता है उसका हम लोग फ्रंट लुक ओपन करके सेल्फी निकालते हैं, सबको बताए. तो जब भी हम लोग सेल्फी निकालते हैं तो कुछ हमें मतलब थोड़ा सा उसका ये करना चाहिए, मतलब कहाँ पे निकालनी चाहिए, किस तरह से निकालनी चाहिए. मतलब अभी हम लोग क्या करें, स्मार्टफोन यूज़ करें, तो जैसे स्मार्टफोन यूज़ करें तो उसका सेफली हमें यूज़ करना आना चाहिए. मतलब ऑन द वे रोड पे हम लोग सेल्फी नहीं निकाल सकते. अगर हम लोग वाटर मीन्स पानी में हम लोग जा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं या तो खेल रहे हैं, तभी भी सेल्फी निकालना डेंजर है. तो आपको फर्स्ट वन आपका लेसन है इरा में कि आपको आज आपको देखना कि जब भी हम लोग सेल्फी निकालेंगे तो सेफली, मतलब हमें कहाँ पे निकालना है, किस तरह से निकालनी है. तो जब भी हम लोग सेल्फी निकालेंगे तो हमें कुछ मतलब चलते टाइम हम लोग सेल्फी निकाल नहीं सकते. हमें अगर सेल्फी निकालना है तो सेफ जगह पे हम लोग जाके फैमिली फोटोज है या तो खुद की सिंगल फोटो है एज अ सेल्फी हम लोग निकाल सकते. तो सेल्फी किस तरह से निकालना है, आपको सेल्फी स्टिक का भी यूज़ करना आना चाहिए. मतलब अगर हम लोग इधर पानी में बोटिंग करें आपको निकालना है तो जो भी मतलब वहाँ पे जो भी हम लोग केयर करना चाहिए. तो सबको पता है कि सेल्फी निकालने के लिए हमें मतलब ऑन द वे रोड पे पानी में हम लोग सेल्फी नहीं निकाल सकते, या तो फिर सेल्फी हम लोग निकालेंगे मतलब हैबिट सा हो गए, जब भी देखो सेल्फी, जब भी देखो सेल्फी. तो थोड़ा सोच के हमें सेल्फी निकालनी चाहिए या तो उसका हम लोग यूज करेंगे. सेकेंड आपको हमने सीखा था लाइक अ सेकेंड आपको आज देखना है वन नंबर फर्स्ट वन हाउ टू सेल्फी, मतलब सेल्फी निकालने के लिए सिक्योरिटी स्किल आपके पास कौन कौन से चाहिए यह आपको पता होना चाहिए. जब भी हम लोग सेल्फी निकालते पोज करने के हम लोग जल्दी मतलब देखते नहीं ठीक से आए कि नहीं, चलो जल्दी से भेजो, हम लोग यहाँ घूमने गए थे, हम लोग ने ये किया है वो किया है. तो ये जो हैबिट्स है या तो हॉबी है उसको थोड़ा हमें सिक्योरिटी स्किल के साथ उसका यूज करना. ठीक है, सेकेंड वन है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स मीन सबको पता है, चैट बॉक्स में आइए, ई कॉमर्स का मुझे आप लोग डेफिनेशन दीजिए. मतलब ई कॉमर्स मीन्स व्हाट, ई कॉमर्स आपने ऑलरेडी आपने सीखा है. ठीक है, ई कॉमर्स आपने देखा है लाइक फ्लिपकार्ट का यूज किया है, अमेजोन का यूज किया है, फिर हमने OLX पे हमने कुछ बेचा है. लाइक हम लोग जो भी ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, फुल फॉर्म अपने पे बुक में लिखिए, ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन ऑनलाइन सेल एंड परचेस. हम लोग जो भी बेचते या तो हम लोग खरीदते जो भी हम लोग बेचेंगे या तो हम लोग लेंगे लाइक ऑनलाइन परचेस एंड से. मतलब आपको क्या देखना है, अभी देखो घर बैठ के आपको कुछ सीखना है. यहाँ पे वेबसाइट में ओपन करके आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट वन हमारी वेबसाइट है flipkart.com. ठीक है, बुक में लिखिए फ्लिपकार्ट मीन्स यूजर ऑनलाइन शॉपिंग. तो जैसे मैंने फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया तो आपको अलग अलग ऑप्शन ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे. फर्स्ट वन देखिए लाइक इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने यहाँ पे पर्सन लेके गए तो पूरी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है. आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, या तो फिर आपको स्पीकर्स लेना है, लैपटॉप्स लेना है, ये सब की ग्रुप मतलब कैटेगरी है लाइक इलेक्ट्रॉनिक. सेकेंड वन हमारे पास है टीवी अप्लाइसेस, तो यहाँ पे अलग अलग से वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है. मतलब ये एक बार आप लोग वहाँ पे माउस लेके जाते हैं तो रिलेटेड आपको सब यहाँ पे अवेलेबल है. एज अ रिक्वायरमेंट आप लोग सिलेक्ट करके उसको टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अलग अलग टी शर्ट आपको दिखाई देंगे, उसकी रेंज भी यहाँ पे अवेलेबल होती है. ये रेंज भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उस तरह के टी शर्ट भी हम लोग देख सकते हैं. मतलब एज अ रिक्वायरमेंट ये अलग अलग टी शर्ट्स है, जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट कीजिए और आपको उसको
ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स, मतलब आपको जो लेना है उसकी फ्रंट साइड बैक साइड आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उसका कलर्स या जो भी यहाँ पे उन्होंने डिजाइन किया है पूरा ठीक से आप लोग देख सकते। तो यहाँ पे देखो जो भी प्राइस है लाइक डिस्काउंट करके यहाँ पे आपको बताई गई है, मतलब अगर आपको ये लेना है कितने स्टार्स कितने रिव्यूज इसको मिले ये भी आप लोग देख सकते हैं। बैंक ऑफर्स अगर कुछ आपको यूज करना है तो अलग अलग बैंक ऑफर्स भी है, कहाँ पे 10% दिया है कहाँ पे 5% ऐड किया है। यहाँ पे अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका अलग है, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो उसका अलग परसेंटेज है, मतलब आप जो भी कार्ड यूज करेंगे लाइक डेबिट है क्रेडिट है जो भी कार्ड यूज करेंगे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे डिस्काउंट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। वहाँ पे आपको यहाँ पे देखो टर्म एंड कंडीशन, मतलब जैसे क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको जो भी टर्म कंडीशन है यहाँ पे पूरे दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग कार्ड यूज करते हैं तो उसके टर्म कंडीशन है वो भी हम लोग देखने के बाद ही आप लोग ऑफर हो एक्सेप्ट कर सकते या तो ले सकते। फिर एक बार बैक आएंगे, अभी हमें क्या करना है लाइक ये हमें टी शर्ट नहीं चाहिए बराबर है। फिर से एक बार मैंने प्लस पे मतलब नया टैब ओपन किया, फिर आएंगे फ्लिपकार्ट पे। अभी हमें कुछ अलग से देखना है लाइक कभी बुक्स चाहिए या तो कभी स्पोर्ट्स से कुछ हमें या फिर टॉयज चाहिए फर्नीचर चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस है। अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स बुक्स एंड मोर, मतलब अभी आपको यहाँ पे क्या चाहिए लाइक बुक्स में देखो ये अलग अलग बुक्स के यहाँ पे नाम अवेलेबल है, स्टेशनरी भी अवेलेबल है, मतलब आपको जो भी चाहिए इसी में सब कुछ। मतलब ये जो ऑनलाइन ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन ये जो बेचते हैं तो ज़्यादा कस्टमर के पास उनको जाना चाहिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट है ज़्यादा कस्टमर के पास उनको पहुँचना चाहिए तो ये अलग अलग डाल देते। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे एक बुक चाहिए लाइक अ इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी मुझे सर्च करना है लाइक यहाँ पे मुझे चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो नहीं तो हम लोग क्या करेंगे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लेके गई तो ई लर्निंग भी अवेलेबल है ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बाद में इंडियन लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कुछ स्टेशनरी यहाँ पे ऑर्डर्स करना है वो भी अवेलेबल है। तो मुझे अभी बुक्स फाइंड आउट करना है लाइक अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो हमें क्या करना है कि जो भी बुक्स है वो हमें यहाँ पे एक बुक सर्च करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है जो भी हमें चाहिए, क्लिक करेंगे ओपन करेंगे सबकी प्राइस अलग अलग है। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे है इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब ये जो बुक्स है देखो जैसे हम लोग माउस घुमाएंगे जो भी पोर्शन आपको देखना है वहाँ से हम लोग डिटेल्स में वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये बुक अगर आपको लेना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्राइस स्पेशल प्राइस अवेलेबल है 206, मतलब यहाँ पे 22% डिस्काउंट आपको दिया है। फिर से सेम यहाँ पे अवेलेबल है बैंक के अलग अलग ऑफर्स लाइक डेबिट कार्ड यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो 10% बोला है, बाद में HDFC बैंक है डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो 10% है, बाद में एक्सिस बैंक का अलग है 5% है। और जैसे मैंने बोला कि जो भी हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन आपको कंपल्सरी ठीक से रीड करने। ठीक है, अभी आपको उसको अगर आपको लेना है तो यहाँ पे लिखो एंटर डिलीवरी पिन कोड, तो जैसे हम लोग पिन कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करेंगे 4 हमारा कितना है 410206 ऐसा कुछ तो मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद देखो जैसे मैंने पिन कोड एंटर किया है तो जो भी हमारा है यहाँ से चेक करेंगे एक बार लैंग्वेज कौन सी है पेपर बैग क्या दिया उन्होंने किसने पब्लिश किया है पूरा हिस्ट्री पता करने के बाद क्लिक ऑन बाय नाउ। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते तो एक बार देखो जैसे क्लिक किया तो आपको आगे जाके इंफॉर्मेशन ऐड करना है, मतलब आपका यहाँ पे मेल आईडी एंटर करना है फिर पासवर्ड ऐड करना है और कंटिन्यू करना है बराबर है। अभी एक बार फिर से मुझे बैक करना है, बैक करने के बाद अगर आपको क्विकली मतलब आप लोग क्लिक करोगे ऐड टू कार्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करनी
नहीं पढ़ती बराबर। देखो मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद सब डिटेल्स अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे आपको टोटल प्राइस कितनी देनी पड़ेगी, डिलीवरी फीस मतलब यहाँ तक आने के लिए 99 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, और टोटल अमाउंट है 604 बराबर है। मतलब ये जो अमाउंट है आपको पूरी यहाँ पे देनी। तो यहाँ पे हम लोग देखो एंटर करेंगे पिन कोड नंबर 410206 और इंटर करेंगे तो क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फिर से सेम आपको डिटेल्स अवेलेबल है, कोई भी बुक आप लोग लेंगे तो यहाँ पे 99 रुपीज आपको डिलीवरी फीस देनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे कब तक आ सकता है, तो यहाँ पे 7 जुलाई बराबर है। मतलब जो भी आपका आपकी जो ऑर्डर्स है रिप्लेसमेंट होने के लिए यहाँ पे वर्किंग डेज में कभी 7 डेज, कभी 3 डेज, कभी 10 डेज एज अ रिक्वायरमेंट आपको ये डिटेल्स पूरे मेल पे भी आता है कि आपने क्या खरीदा है, कौन सा बुक है, उसकी प्राइस क्या है, उसका कलर्स क्या है, फ्रंट पेज बैक पेज मतलब तो पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखो सेव फॉर लेटर, आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, या तो ये ऑर्डर रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें ऑनलाइन लेना है ठीक है, जो भी हम लोग ऑनलाइन लेंगे तो अलग अलग कैटेगरी है, तो एक एक कैटेगरी चेक करेंगे एज अ रिक्वायरमेंट, जो भी आपको चाहिए छोटा सा छोटा 100 रुपीज का कुछ भी आप लोग एक बार बुक कीजिए, या तो आप लोग यहाँ से परचेस कीजिए और देखिए आपके एड्रेस पे बराबर आता है कि नहीं, डेबिट कार्ड आप लोग ठीक से यूज कर पाते हो कि नहीं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जो आगे पीछे के नंबर्स है वो भी आपको ठीक से ऐड करने के लिए आना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोग यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपके मोबाइल में स्कैनर होता है ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, सबके मोबाइल में स्कैनर होता है, कौन से ग्रुप में होता है ठीक है, मुझे आंसर चाहिए सबके मोबाइल में, चैट बॉक्स में आइए। सबके मोबाइल में स्कैनर होता है, उस स्कैनर का जो फोल्डर है वो फोल्डर का नाम क्या मुझे यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। मतलब कभी ना कभी मोबाइल का स्कैनर आपने ऑलरेडी यूज किया होगा, ऐसे मुझे लगता है जिसने जिसने यूज किया है, तो आपका जो स्कैनर है जैसे क्लॉक स्कैनर कैलेंडर एक एक फोल्डर में रहते, तो जो भी स्कैनर है वो फोल्डर का नाम आप लुके बताइए। चलो जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सबके मोबाइल में स्कैनर है तो स्कैनर जो अवेलेबल है वो कहाँ पे है आपको देखना है। लाइक किसी को पता नहीं है स्कैनर कहाँ पे होता है मोबाइल में, हेलो मेरी आवाज तो आती है ना सबको, हेलो स्टूडेंट रिप्लाई दो चैट बॉक्स में। हाँ यस मैम, अभी मुझे दर्शना ने बोला है कि मेरी आवाज भी आ रही है। अभी मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे चाहिए कि हमारा जो मोबाइल है स्मार्टफोन है सब लोग यूज करते हैं, तो अगर हमें यूज करना है स्कैनर, स्कैनर कौन से फोल्डर में रहता है ये मुझे आंसर चाहिए। कैम स्कैन ये तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे प्ले स्टोर से बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारे मोबाइल में क्लॉक रहता है बराबर है ना, जैसे हमारे मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है, जैसे रिकॉर्डर रहता है, वैसे बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल में स्कैनर भी होता है। अभी ये जो स्कैनर है वो कौन से ग्रुप में है या तो कौन से फोल्डर में एक बार चेक कीजिए। आपका जो हम लोग सुबह के लिए लगा था ना अलार्म लाइक अ क्लॉक में से, तो आपका जो स्कैनर है उसका ग्रुप है टूल्स, आप लोग टूल्स ग्रुप में जाके देखें, वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है, रिकॉर्डर अवेलेबल रहता है, क्लॉक रहता है, स्कैनर रहता है, ये अलग अलग ऑप्शन सब यूज करें ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट है फोटो है या तो पिक्चर है मतलब एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है, तो हम लोग मोबाइल का स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, बाद में जीमेल में सेंड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमें यूज करना है या तो इंस्टॉल करना है लाइक अ कैम स्कैन। कैम स्कैनर ये ऐप हमें चाहिए, ऐप चाहिए मतलब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा अपने मोबाइल में,
थर्ड वन हमारा ऑप्शन है यूज अ कैम स्कैनर ऐप, लाइक ब्रैकेट में शॉर्टकट है सी एस। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया डाउनलोड करने के लिए, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से अलग अलग यहाँ पे दिखाई देंगे, लाइक ये सब स्कैनर के ऐप है, आपको जो भी चाहिए अलग अलग फोन के टाइप। एक बार देखो बैक आती फिर से, जैसे मैंने इमेजेस पे क्लिक किया तो आपको शॉर्टकट दिखाई देगा कैम स्कैनर मतलब सी एस। अभी इसी का यूज करना है, गो टू योर प्ले स्टोर, वहां जाने के बाद जैसे अलग अलग ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं, सेम इसको यूज करना है कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, कोई भी फोटो स्कैन करने के लिए। इससे जो स्कैनिंग है वो भी अच्छी रहती है, आपको लाइट चाहिए, आपको डार्क चाहिए, आपको ब्राइट चाहिए, एज अ रिक्वायरमेंट वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको मोबाइल का स्कैनर नहीं यूज करना है, इसका यूज करना है कैम स्कैन का, तो आप लोग अपने प्ले स्टोर में आइए, इसको डाउनलोड कीजिए और इजीली जैसे स्कैन करते सेम कोई भी डॉक्यूमेंट प्लेन रखना है किसी टेबल पे या तो फ्लोर के ऊपर, और स्कैन करने के लिए उसको खाली अपना जो मोबाइल है उससे सिलेक्ट कीजिए टूल्स में जाके स्कैनर, या तो ये जो ऐप है डाउनलोड करके इसे भी हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस है वो ज़्यादा, जो हमारा स्कैनर है उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं रहते कि लाइट में चाहिए, डार्क में चाहिए, ब्राइटनेस कम ज़्यादा। तो ये जो हमारा मोबाइल का स्कैनर है खाली जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं, आपको क्लियर चाहिए, ब्राइट चाहिए, लाइट कम ज़्यादा एडजस्ट करना, मतलब जो भी हम लोग स्कैन करेंगे उसको थोड़ा बहुत एडिट करने तो हम लोग यूज करेंगे कैम स्कैनर। ये सब लोग अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। और आज का जो हमारा सेशन है, आप अभी जो लिख रहे उसका स्कैन करके फोटो आपको ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। मतलब कैम स्कैन अगर आपने इंस्टॉल किया है तभी आपको फोटो का स्कैन करके, जो भी पेज है उसका स्कैन करके आपको ग्रुप पे भेजना है। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आपके जो टूल्स फोल्डर में सिंपल स्कैनर है उसी से भी स्कैन करके फोटो सेव करके सेंड करेंगे ग्रुप पे तभी भी चलेगा। मतलब आप लोग यूज कर रहे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी स्कैनर से आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कोई भी फाइल स्कैन कर सकते हैं, या तो कोई भी फोटोज है वो भी स्कैन कर सकते हैं, या तो एनी पिक्चर्स भी स्कैन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो भी फोटोज है जैसे स्कैन करेंगे उसकी इमेज आपके मोबाइल में जनरेट हो जाएगी, बराबर है। जनरेट होने के बाद आप लोग उसको सेव करेंगे और आपको जिसे भी सेंड करना है, जिसे भी भेजना है इजीली भेज सकते हैं। तो सिंपल है स्कैनर या तो कैम स्कैनर। अभी देखो हमारे पास जो रेगुलर स्कैनर रहता है फ्लैट टेबल, वो हम लोग यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर में स्कैनर का यूज करते हैं तो उसकी इमेज ऑन कंप्यूटर लैपटॉप पे जनरेट होती है, दिखाई देते स्कैन होने के बाद। सेम उसी तरह से जो भी मोबाइल से आप लोग स्कैन करोगे जो भी इमेज है आपको दिखाई देगी, एज अ प्रॉपर लोकेशन में आपको लोग सेव करना है और अपने फ्रेंड के साथ या तो किसी के भी साथ आपको उसको शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग यूज करेंगे बुक में, आप लोग आइए लाइक वेबसाइट हमारी है। अभी देखो आजकल घर बैठे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, मतलब जो भी कुछ हमें होटल से कुछ मंगाना है तो हम लोग वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब सब ऑनलाइन हो रहे। तो ऑनलाइन हमें आज देखना है बुक माय शो, गूगल में जाइए, या तो कोई फिल्म अगर आपको देखनी जानी है, या तो शो देखना जाना है, ड्रामा एनी जो भी आपको देखना है, वो अगर आपको घर बैठे बुक करने एडवांस बुकिंग करने है तो हमारे पास वेबसाइट है बुक माई शो। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो मैंने क्लिक किया, अभी क्लिक करने के बाद आपको मेन पेज दिखाई देगा। अभी यहाँ पे देखो ये अलग अलग ऑप्शन है, ये हम लोग चेक करेंगे। अभी क्या हो रहा है पता है, ये अभी सब थिएटर्स वगैरह बंद है। तो यहाँ से बुक करने के लिए ये कुछ है पंचम निषाद, ये कुछ अलग फिल्म है, ये क्या हम लोग देखेंगे क्या, एक बार चेक करेंगे। हम लोग कोई भी मतलब मूवी बुक करने से पहले उसका क्या बोलते ट्रायल या तो ये रहता है ना ट्रेलर, वो भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अभी सब थिएटर्स बंद है
तो यहाँ पे शायद कोई मूवी हमें दिखाई देगी तो हम लोग उसको सर्च करेंगे। सीधा मूवीज पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे नाउ शोविंग कमिंग सून कुछ भी नहीं, मतलब अभी सब थिएटर्स बंद है इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। पता है सबको मॉल सभी ओपन हो गए मगर थिएटर्स सब बंद है, जहाँ पे हम लोग मूवी देखते पूरा बंद है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज नहीं, जैसे हम लोग अगर कोई मूवी अवेलेबल है तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एरिया सेट करेंगे, थिएटर का नाम सिलेक्ट करेंगे। थिएटर का नाम क्लिक करने के बाद तो सीटिंग अरेंजमेंट है वो आपको दिखाई देगी। फिर आपको कौन सा सीट चाहिए, कॉर्नर का चाहिए, बीच का चाहिए, क्लिक करके आप लोग बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के अगर टू लोग हैं, दो लोग साथ में तो बाइक अवेलेबल दिखाई देगा, तीन लोग हैं तो ऑटो दिखाई देंगे, चार लोग हैं तो कार दिखाई देगा, 10 लोग हैं तो बस। मतलब एज अ रिक्वायरमेंट जैसे आप लोग टिकट्स बुक्स कराओगे नंबर ऑफ टिकट्स उस तरह के व्हीकल्स की आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बाद में सीट्स आपको कौन सा चाहिए वो कंटिन्यू या बीच वाला जैसे भी चाहिए सिलेक्ट करके टोटल अमाउंट के साथ आपको कितना पे करना है उसके साथ कुछ ऑफर्स भी रहते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी रहता है वो भी आप लोग लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो ये बुकिंग का जो है अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं मगर जैसे ये ओपन हो जाते थिएटर तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करके मतलब पहले से शो का वहां जाने के बाद हाउसफुल बोर्ड देखे रिटर्न आने से अच्छा है कि पहले से हम लोग थोड़ा सा बुक करें और बाद में हम लोग वहां पे शो देखने जा सकते हैं। ये किस किस ने यूज किया है, बुक माई शो चैट बॉक्स में आइए, चैट बॉक्स में आइए। किस किस ने यूज किया है लाइक बुक माई शो, हेलो स्टूडेंट, चलो मुझे आंसर चाहिए। कभी किसी ने यूज किया है कोई शो आपने बुक किया है? गीता नो मैम, प्रणव नो मैम, क्यों नहीं? अभी तो पंद्रह में इतने सारे। हाँ निशा ने यूज किया है, दर्शन है, नो मैम, एकदम सिंपल है सब। जो भी हमारे पास अभी एप्स है हमारे प्ले स्टोर से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तभी भी, मतलब ये सीखना है, आगे जाके हमें लाइन में नहीं खड़ा होने, आगे जाके हम लोग ऑनलाइन एडवांस पहले बुकिंग करेंगे और आराम से जो भी मोबाइल के हमें टिकट्स मिलेंगे या तो सीट के नंबर्स अवेलेबल है या तो ऑनलाइन हम लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट भी कर सकते, सब इजी हो गया है। तो जितना हो सकता है स्मार्टफोन है तो उसी का आप लोग स्मार्टली यूज कीजिए। श्वेता ने भी यूज किया है, वेरी गुड। मतलब जिसको आता है वो ट्राई करे फिर से यूज करे और जिसको नहीं आता है कम से कम एक बार तो उसको ट्राई करना ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आज का देखो मैंने क्या क्या सीखा है बुक में, एक बार आ जाइए। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है लाइक इंटरनेट, इंटरनेट में हम लोग अभी कुछ मोबाइल ऐप सीख रहे हैं और कुछ वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैं प्लस पे, ये जो प्लस है जैसे क्लिक किया मतलब यहाँ पे न्यू टैब मतलब नई वेबसाइट हम लोग यहाँ पे देख सकते, नहीं तो क्लोज भी कर सकते। ठीक है, ये वह हमारा है एड्रेस बार, मतलब जो भी वेबसाइट चाहिए एड्रेस बार में हम लोग सीधा डाल सकते हैं flipkart.com। कॉम का हमने डॉट कॉम का हमने फुल फॉर्म आपको बताया था लाइक कमर्शियल, सबको याद है। फिर आएंगे हम लोग सेकेंड इसमें, यहाँ पे देखो जैसे हमने यूज किया फ्लिपकार्ट तो हम लोग कहाँ पे गए थे, गो टू कार्ट, जैसे मैंने क्लिक, मतलब जो आप लोग यूज करेंगे हिस्ट्री वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये वाला हमारा बैक बटन है सबको पता है, ये वाला हमारा नेक्स्ट बटन है, ये हमारा रिफ्रेश बटन है लाइक रिलोड द पेज, देन ये वाला हमारा होम का आइकॉन है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे गूगल के पेज पे आएंगे, बराबर है। मतलब ये पूरा जो आपको पता है ऑलरेडी पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये वाली वेबसाइट देखी या तो ऐप देखा था कैम स्कैन, ये भी आपको यूज करना है। जो भी अभी हम लोग सिखा रहे सब ऐप आपके मोबाइल में होने चाहिए, जब भी बाइक में आएंगे तो हम लोग आपका मोबाइल चेक करेंगे, बराबर है। फिर हम लोग आएंगे प्लस साइन, अभी देखो आप लोग सब MScAT कर रहे, बराबर है ना। तो MScAT में थियरी इज अ इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको याद रहेगा मगर थियरी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एक वेबसाइट है MScAT
सीआईडी आपको यूज करना है लाइक अ क्वेरी, ठीक है। जैसे मैंने गूगल में सर्च किया, देखो पहले मैंने सर्च किया है, अभी ये आप लोग इनिशिएटिव थियरी अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और आपके पीसी में भी। फर्स्ट वन ओपन थियरी मराठी, मराठी के लिए एक बार मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको देखो यहाँ पे जो हमारा इनिशिएटिव का बुक है, अगर आपको कई भाई बहन किसी ने इनिशिएटिव किया है तो उसके पास ये बुक्स में टॉपिक्स है। फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन सिस्टम यूनिट, थर्ड आपको दिखाई देगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये हमने देखो फर्स्ट जो सेशन थे थर्ड फोर्थ उसी में हमने देखा है, बाद में इंटरनेट है, बाद में एक्सेस। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फुल फॉर्म ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर्स, ये भी इजी है, ये भी आप लोग देख सकते। फिर एक बार पीछे आएंगे, अभी पीछे आने के बाद आपको अगर ऑनलाइन कुछ देखना है तो यहाँ पे फिर से एक बार सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया थियरी एमएससीआईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिखाई दे रहे हैं, 80, बराबर है। आपके पास ये मोबाइल ऐप भी है, मतलब मोबाइल में यूज करना चाहिए तो मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, अभी स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे। देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन है रैम रोम सीमॉस, अभी ये जो है सबका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो गूगल में जाके सर्च कीजिए। अभी इसका आंसर देखिए लाइक अ मेमोरी चिप, जैसे मैंने ट्रू पे क्लिक किया वो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बता देगा, बराबर है। सबमिट माय आंसर, तो यहाँ पे आपको जो आंसर है यहाँ पे करेक्ट या तो इनकरेक्ट दिखाई देगा लाइक अ करेक्ट, बराबर है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये सेकेंड नंबर है वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, मतलब ये जो 80 क्वेश्चंस है अगर आपके पास घर में टाइम है तो ये भी आप लोग एज अ रिविजन कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, मैंने इसको बंद किया, मूवी टिकट भी बंद किया क्योंकि यहाँ पे सब अभी थिएटर बंद है तो हम लोग पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। आएंगे हम लोग एमएससीआईटी थियरी, गूगल में सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, एक एक ओपन करके देख सकते। तो मुझे क्या चाहिए लाइक ये वाला मैंने सीखा है, यहाँ पे कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल कीजिए अलग अलग, जैसे ये ग्रुप है बराबर, ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी कुछ गूगल प्ले स्टोर से आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया था लाइक दिस, ये वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो 80 क्वेश्चंस है वो आपको थोड़े थोड़े करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। 10 हो गया है तो 10 नंबर नेक्स्ट जा सकते हैं। देखो मैं खाली क्लिक करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका आंसर पता है तो देखना, यूटिलिटी आर ऑल्सो नोन एज अ सर्विस प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था लाइक अ पावर सेविंग स्ट्रेट, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते पावर बटन ऑन करेंगे, लाइक हम लोग करेंगे कोल्ड बूटिंग, तो यहाँ पे पावर सेविंग स्टेट, यहाँ पे ऑप्शन देखिए और चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, किसको बताए क्वेश्चन, देखा आपने सबने, एक बार रिपीट आइए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पावर सेविंग स्टेट, मतलब कौन सा मोड है जिसमें हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाएंगे, तो हमारे यहाँ आंसर आना चाहिए लाइक किसी का है स्लेव, करेक्ट। किसी किसी ने भेजा है भूपेंद्र और भरत ने राइट आंसर बोला है लाइक स्लीप इज अ पावर सेविंग मोड, तो इजीली हम लोग वहाँ पे पावर, मतलब ये क्वेश्चन आपको घर बैठे कर सकते या तो यूज भी हो सकते, ठीक है। अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, फिर से हम लोग कल का थोड़ा रिवाइज करेंगे। कल हम लोग एक्सेल में थे, ठीक है, अभी ये तो सब इंटरनेट है, जैसे हम लोग ट्राई करेंगे
जैसे यूज करेंगे आपका आइटम लिखा आ जाएगा। अभी हम लोग यूज करेंगे लेकर कल की क्वेश्चन बैंक। हम लोग एक्सेल में थे, ठीक है, एक्सेल में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी में से थोड़ा और आज देखेंगे। फाइल की साइज थोड़ी बड़ी करनी है, बड़ी होने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद हमने कल रो की हाइट किस तरह से बढ़ानी है ये हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर, कल का लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था, किसी को याद है? और ये हमने ऑलरेडी किया है, मर्ज किया था हमने, बराबर है। बाद में हमने कॉलम को स्प्लिट भी किया था, वर्टिकल टेक्स्ट भी यूज किया था, फिर हमने, हाँ चलो। और ये क्वेश्चन में आज के जो सेशन है उसके नीचे लिखे एक्सेल बाय क्वेश्चन बैंक, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे देखो, एक बार फिर से मेरा स्क्रॉल बार यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट वन, लाइक ये हो गया, चलो आएंगे हम लोग लाइक 191। क्वेश्चन ठीक से आपको पढ़ना है, इजी है, खाली आप लोग देखिए कि ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है, सब इजी रहते हैं। इन द गिवन वर्कशीट रैप द टेक्स्ट इन द सेल H11। अभी आपको ऑप्शन कौन सा ढूंढना है, हाउ टू रैप टेक्स्ट। अभी ये सिंपल वाला है, मतलब देखो फाइल का नाम बजट है, बजट को हम लोग ओपन करेंगे, उसके लिए ये फाइल्स फोल्डर ओपन करेंगे। पहले ओपन करने के बाद हमें चाहिए बजट नाम की फाइल, रैप द टेक्स्ट में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट है मतलब हमें एक ही सेल में, जगह कम पड़ रही है तो एक के नीचे एक हम लोग किस तरह से ला सकते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमें चाहिए बजट फाइल, ऑप्शन हमारे सामने ही होता है, खाली एक बार अगर हम लोग पता कर लेंगे तो प्रॉपर, मतलब एग्जाम में जो ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा, ठीक है। बजट फाइल ओपन होने के बाद हमें सिलेक्ट करना है H11। क्वेश्चन में एक बार आइए देखिए, यहाँ पे रैप द टेक्स्ट इन सेल H11, मतलब जो भी सेल है उसमें हम लोग एंटर करेंगे। अभी H11 मतलब ये वाला H कॉलम है हमारा, बराबर है, और यहाँ पे 11 ये नंबर है, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा है देखो, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, मतलब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्मूला बार है वहां पे हमें पूरा टेक्स्ट दिखाई दे रहे, मतलब ये जो सेल है उसमें आधा दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी एक्स्ट्रा टेक्स है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है उसको एक ही सेल में एडजस्ट करने, तो उसे करेंगे रैप टेक्स्ट। देखो जैसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रैप टेक्स्ट, मतलब एक लाइन में अगर टेक्स्ट है एक ही सेल में एक के नीचे उसको एडजस्ट करना है तो क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा टेक्स्ट आपको सेल में दिखाई देगा, बराबर है, एक साथ सेल में दिखाई देगा। फर्स्ट वन हमें इस तरह से दिखाई दे रहा था, जैसे हम लोग बाजू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है पूरा पता नहीं, खाली प्रोजेक्टर दिखाई दे रहे। जैसे मैंने क्लिक किया मतलब सेल को सिलेक्ट किया तो ये जो हमारा फॉर्मूला बार है वहाँ पे पूरा डिटेल्स नेम दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट। अभी क्या करना है, यहाँ पे पूरा दिखना चाहिए, मतलब जो पूरा टेक्स है इसी सेल में हमें सेट करना है, एडजस्ट करना है, तो क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट। देखो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक के नीचे एक टेक्स्ट एडजस्ट हो गए, मैनेज हो गए, लाइक अ कॉल्ड अ रैप टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हमने कल सेल फॉर्मेटिंग हाउ टू रिमूव ऑलरेडी देखा है, कॉलम इंसर्ट कैसे करना ये भी देखा है, एटोफिट कॉलम ये भी हमने कल देखा है। नेक्स्ट वन हम लोग सिलेक्ट करेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर
204 चेंज द विथ ऑफ कॉलम ई, मतलब जो भी कॉलम है उसकी वीक हमें चेंज करनी है लाइक अ 20। फाइल ओपन करेंगे, शॉपिंग हॉलीडे, हॉलीडे शॉपिंग बजट, ये वाली बंद करेंगे, हमेशा क्लिक करेंगे डोंट सेव। अभी हमें नई फाइल चाहिए, कीबोर्ड का एच प्रेस करेंगे, हॉलीडे शॉपिंग ये वाली फाइल, मतलब जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग अगर एग्जाम में आती है तो इस तरह से आपको फाइल ऑन स्क्रीन दिखाई देगी, मतलब आपको फाइल का लुक सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई देगा। एक बार क्वेश्चन में आइए, सिंपल है, ई कॉलम है, उस कॉलम का वीक हमें चेंज करना है लाइक अ 20। तो फर्स्ट वन हम लोग सिलेक्ट करेंगे ई कॉलम, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर्सर रखने के बाद ये जो आपका है कितना है वीक 15 बराबर है। अभी यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन अ कॉलम भी, तो यहाँ पर भी हम लोग 20 टाइप करके आगे जा सकते हैं, एंटर करेंगे या तो ओके बटन का यूज करेंगे, बराबर है। देखो मैंने ये बॉर्डर्स पे माउस रख दिया, जैसे ही रखा तो अभी पता चलेगा कि हमें कितना चाहिए था 20, तो यहाँ पे कॉलम भी एडजस्ट हो गया 20, मतलब ये शॉर्टकट है कि एग्जाम में चलेगा। अभी प्रॉपर ऑप्शन में आपको दिखाती हूँ, सिलेक्ट ई कॉलम, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में सेल्स ग्रुप में क्लिक ऑन फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाने के बाद अभी हमें क्या एडजस्ट करना है, कॉलम विथ, तो कॉलम विथ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर टाइप करेंगे 20 और ओके बटन का यूज, मतलब शॉर्टकट से करेंगे, राइट क्लिक से करेंगे तभी भी चलेगा। प्रॉपर हम लोग लोकेशन में जाके प्रॉपर विंडो ओपन करके एडजस्ट करेंगे तभी भी चलेगा, मतलब ये जो क्वेश्चन है शॉर्टकट राइट क्लिक से, जैसे देखो मैंने यहाँ पे राइट सिलेक्ट कंपल्सरी है, सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम भी आप लोग बड़ा कर सकते हैं या तो कम भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? थॉट बॉक्स में लिखे यस और नो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो भी मैं आपको दिखा रही है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, यस और नो? एक मिनट में आपका ये देखती हूँ कि आपने रिप्लाई कुछ दिया है कि नहीं, ठीक है, अभी दिया है दर्शना, देन सलमा यूज करिए, गीता भी है, भरत भी, ठीक है, भरत या तो भारत जो भी है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, सिंपल सिंपल है, डिलीट वर्कशीट होम, होम लोन, बराबर है, डिलीट करना है मतलब कहाँ से करेंगे, ऑलरेडी हमने सीखा है वर्कशीट को डिलीट कैसे करना है, मूव कैसे करना है, उसको टैग कलर कैसे एडजस्ट करेंगे, ऑलरेडी एक्सेल पूरा सिखा के हो गए। अभी जिसको बताए वो चैट बॉक्स में आंसर डालिए, डिलीट वर्कशीट होम लोड, चलो कहाँ से करना है, कौन से टैब में जाना है, कौन से ग्रुप में जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट ऑप्शन हमें कहाँ पे अवेलेबल होगा या तो मिलेगा, किस किस को आता है, जल्दी से आंसर डालिए चैट बॉक्स में, ठीक है, चैट बॉक्स में आइए, हाउ टू डिलीट वर्कशीट, प्लीज, कोई भी वर्कशीट है तो शॉर्टकट से भी आप लिख सकते हैं या तो प्रॉपर बटन प्रॉपर टैब का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट क्लिक चलेगा, ओके, और ऑप्शंस, सलमा ने कहा है कि राइट क्लिक करके भी हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग वैसे पहले डिलीट करके देखेंगे, फाइल ओपन करेंगे, लोन कैलकुलेटर, फाइल ओपन करेंगे, लोन कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हमें जो फाइल है अलग अलग यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल होगी, हमें डिलीट करनी है होम लोन, यहाँ पे देखो कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है, लाइक अ कार लोन एंड होम लोन, बराबर है ना, अभी आपको कौन सी डिलीट करनी है, होम लोन, तो होम लोन को पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे, करेक्ट आंसर बोला था सलमा ने, ये अभी क्या हमने किया लाइक अ शॉर्टकट, ये भी करेक्ट आ जाएगा, अभी प्रॉपर हमें डिलीट करना है, बराबर है ना, प्रॉपर हमें डिलीट करना है, आएंगे होम टैग में, डिलीट बॉक्स में आएंगे, देन डिलीट शीट, जैसे ही मैंने क्लिक करना है होम लोन यहाँ से निकल जानी चाहिए, तो यहाँ से निकल के
बराबर है, कंट्रोल जेड करके देखो एक बार, ये जो हमारी फाइल है सबने देखा, हाउ टू डिलीट, सब लोग से डिलीट डिलीट शीट, ठीक है बराबर है, गीता ने लिखा है। फर्स्ट हम लोग फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अलग अलग फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल होगी, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट वन कार लोन एंड होम लोन, यहाँ पे दोन फाइल थी उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने डिलीट में जाके उसको डिलीट शीट इसका यूज करके निकाल दिया। एक बार देखो फिर से सेम, मैं वही फाइल ओपन कर देती हूँ। अभी ओपन करने के बाद शॉर्टकट ऑप्शन जो सलमा ने बताया उसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो ये कार लोन अवेलेबल है, होम लोन पूरी खाली एम्प्टी है, उसको डिलीट करना है। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिलीट हो जाएगी। इसके लिए कीबोर्ड का डिलीट बटन यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अभी आपको पता चला होम लोन कैसे डिलीट करना है। नेक्स्ट वन ऑडिट फाइल दी उन्होंने, ये भी आप लोग डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग सिलेक्ट करेंगे लाइक ये वाला क्वेश्चन 208 बराबर है 208, मतलब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। आपको इंक्रीज इंडेक्स पता है, वर्ड में सीखा है, एक्सेल में सीखा है और हमने पावर पॉइंट में भी सीखा है। इंक्रीज इंडेक्स मतलब क्या, जो भी टेक्स्ट है उसको आगे थोड़ा मूव करना है या तो पीछे मूव करना है, मतलब हम लोग बोलते ना समास, कितना समास छोड़ना है, कितनी स्पेस हमें वहाँ पे देनी है, तो सेम इंक्रीज इंडेक्स। अभी इंडेक्स हमें चेंज करना है कितना, लाइक अ टू कैरेक्टर। यहाँ पे देखिए रेंज हमें देनी है, मतलब सिलेक्ट करेंगे D4 से D11, ये हमें रेंज देनी है, मतलब सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंक्रीज इंडेक्स कितने कैरेक्टर्स यूज करेंगे, टू कैरेक्टर। आइए फाइल में, फाइल का नाम है लिस्ट, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फर्स्ट वन रेंज मतलब सिलेक्ट क्या करना है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी एक बार क्वेश्चन में देखिए क्या सिलेक्ट करना है, लाइक हम लोग ने देखा है D4 से D11। फाइल में आएंगे, D4 कहाँ पर है, लाइक दिस D4, यहाँ से D11, ये भी हम लोग एक ही क्लिक में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। बार बार ऐसे क्लिक क्लिक करेंगे तो ये छूट जाएगा, बराबर है, एक सिंगल क्लिक से पूरा सिलेक्ट करना है। अभी इंडेक्स मतलब इंडेक्स इंक्रीज करना है, मतलब बढ़ाना है, बढ़ाना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, क्या लिखा है, इंक्रीज इंडेक्स। अभी यहाँ पे क्या है, टू कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो टू कैरेक्टर्स हो गया, मतलब एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ये पता होना चाहिए। एक बार क्लिक करेंगे लाइक वन कैरेक्टर, सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे लाइक टू कैरेक्टर, बराबर है। टेक्स्ट एक बार देखो, इसको मैं पीछे लेके आती हूँ फिर से। ठीक है, हमें क्या करना है, जितना कहा है क्वेश्चन में उतना सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंडेक्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंक्रीज इंडेक्स, अगर ये आपको पता नहीं है तो ग्रुप में भी आ सकते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप में आइए। ग्रुप में आने के बाद आपको प्रॉपर यहाँ वहाँ पे इंडेक्स दिखाई देगा, कितने पॉइंट चाहिए, दो ऐसे भी दो टाइप करके ओके बटन का यूज आप लोग कर सकते, बराबर है। एक बार मैं पीछे आके फिर से दिखाती हूँ, ये जो हमारा शॉर्टकट बटन है, एक टाइम क्लिक किया मतलब वन इंडेंट, सेकेंड टाइम क्लिक किया मतलब टू इंडेंट। चेक कैसे करेंगे, फिर आएंगे ग्रुप में, दिखा दे रहा है सबको टू इंडेंट, मतलब शॉर्टकट से यूज करेंगे तभी भी चलेगा, प्रॉपर ऑप्शन में जाएंगे तभी भी चलेगा, क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, सबको पता चला हाउ टू मैनेज इंडेंट, इंडेंट कैसे हम लोग ऐड करेंगे। चैट बॉक्स में आइए, इंक्रीज इंडेक्स और डिक्रीज इंडेक्स सबको ठीक से पता चला, ग्रुप में भी जा सकते हैं या तो फिर ऑन स्क्रीन भी उसका हम लोग यूज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे,
मुझे लग रहा कि सब बराबर क्वेश्चन लिख के ले लो क्वेश्चंस। चलो अभी हमने क्या किया था, पूरी वर्कशीट हमने डिलीट की थी होम लोन। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखना है 212, 212। तो यहाँ पे सिंपल है, डिलीट रो नंबर 17। अभी हमें क्या करना है, रो नंबर 17 उसको निकाल देना है, डिलीट करना है। तो फाइल ओपन करेंगे, मार्कशीट जो भी क्वेश्चंस है आगे के बॉक्स में जो आपको फाइल का नाम दिया है वही फाइल में आपको काम करना है, मतलब प्रॉपर एग्जाम में वही लुक आपको दिखाई देगा। फाइल का नाम हमारे है लाइक अ मार्कशीट 2013। ओपन करेंगे, अभी ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, एक सिंगल रो 17 नंबर जिसका नंबर 17 है उसको निकाल देना है। हम लोग आएंगे प्रॉपर, फाइल ओपन हो गई। अभी यहाँ पे 17 नंबर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक ये वाला नंबर पे क्लिक करेंगे, जो भी नंबर है डिलीट रो नंबर। नंबर क्या करेंगे हम लोग, जो हमें रो डिलीट करनी है वो प्रॉपर नंबर पे, क्वेश्चन में नंबर दिया आपको 17, तो 17 पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डिलीट बटन आपको पता है उसी का यूज करेंगे, लाइक डिलीट शीट रो, बराबर है। या तो राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, तभी भी चलेगा। क्लिक ऑन डिलीट शीट, सिंपल है, क्वेश्चन कितना इजी है। देखो प्रॉपर उन्होंने नंबर दिया है, रो नंबर 17 पे क्लिक करना है, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी और प्रॉपर डिलीट बटन में जाके डिलीट शीट रो आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सब सेम है, रो हाइट बढ़ानी है, कॉलम विड्थ बढ़ानी है, सेम हम लोग यूज करेंगे। एसेंट 2, एसेंट 3, ये भी इजी क्वेश्चंस है। हाँ चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 220, यूज अ फॉर्मेट पेंटर। अभी मुझे आंसर चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर कौन से ग्रुप में है, जिसको आता है चैट बॉक्स में डालिए आंसर जल्दी से। फॉर्मेट पेंटर कौन से ग्रुप में है, आपको यहाँ पे आंसर लिख के देना है। फॉर्मेट पेंटर लाइक अ कॉपी द फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है किसी और सेल को करेक्ट। प्रणव गीता ग्रुप का नाम उन्होंने लिखा है, क्लिपबोर्ड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में आएंगे, हाँ क्वेश्चन में आने के बाद क्या करना है, देखो यूज द फॉर्मेट पेंटर एंड कॉपी द फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट उसको कॉपी करना है, सेम E3 मतलब E3 का जो फॉर्मेट है आपको E10 को कॉपी करना है, बराबर है। तो फर्स्ट वन फाइल ओपन करेंगे, रिजल्ट हम लोग प्रॉपर फाइल का यूज करेंगे तो पता चलेगा कि अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो इस तरह की फाइल आपको दिखाई देगी। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उन्होंने कहा क्वेश्चन लाइक E3 का फॉर्मेट है वो आपको, फाइल मैंने प्रॉपर ओपन की थी, एक बार चेक कर दूं, ये खाली रिजल्ट है, मुझे चाहिए रिजल्ट 2013, ये भी बंद करेंगे। रिजल्ट 2013 ये मुझे फाइल चाहिए। तो यहाँ पे एक सेल का फॉर्मेट किसी और सेल को अगर हमें देना है तो देखिए कैसे दे सकते हैं। फर्स्ट वन उन्होंने कहा है E3, तो E3 कहाँ पे चेक करेंगे, E3 कहाँ पे देखो एक बार, E3 मीन्स ये वाला ACC1, बराबर है ना। इसका फॉर्मेट हमें किसे देना है, लाइक E10 मतलब ये जो 66 नंबर है इसका टेक्स्ट कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हमें अप्लाई करना है ये नंबर लाइक E10 66। तो फर्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट E3, बराबर है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यूज करना है फॉर्मेट पेंटर, लाइक गो टू क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा माउस पेंट ब्रश में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसे इफेक्ट देना है लाइक E10, मैंने इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए
जो E3 का बैकग्राउंड कलर ग्रीन था वो E10 को आ गया, E3 का टेक्स्ट कलर व्हाइट था वो भी यहाँ पे आ गया, बराबर है। मतलब कोई भी फॉर्मेट हमें कॉपी पेस्ट करना है तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ये वाला, मैंने इको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसका ग्रीन बाय बैकग्राउंड चाहिए। फॉर्मेट पेंटर पे आ गए, इसी पर भी क्लिक करो, इफेक्ट आ जाएगा। ये आपको बार बार देना है, बराबर है ना। फॉर्मेट पेंटर आपको 2-3 सेल के लिए अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक बार क्लिक किया तो एक ही को इफेक्ट आता है। अभी सेकेंड को देना तो इफेक्ट चला गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो इफेक्ट है 2-3 नंबर्स को अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसको बताए, मैंने ऑलरेडी बताया था। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिपबोर्ड का जो इफेक्ट है लाइक अ फॉर्मेट पेंटर, वो बार बार हमें अप्लाई करना है। तो हम लोग किस तरह से कर सकते, किसको बताए आंसर है, डबल क्लिक, करेक्ट, प्रणव ने राइट आंसर दिया है, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक। अगर दो बार क्लिक करते तो हम लोग वो इफेक्ट जितने बार चाहिए कैरी उसको कर सकते। देखो यहाँ पे अभी मुझे ये वाला सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर दो बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दे सकते, यहाँ पर भी दे सकते, यहाँ पर भी दे सकते, यहाँ पर भी, बराबर है ना। मतलब एक बार क्लिक करेंगे तो एक ही बार अप्लाई होता है, और दो बार क्लिक करेंगे तो आप लोग को जितना बार चाहिए आप लोग वो इफेक्ट यहाँ पे दे सकते। समझ में आ गया, फॉर्मेट पेंटर का यूज करने आपको, अगर एक सेल को इफेक्ट देना है तो एक बार क्लिक करो, ज़्यादा सेल को इफेक्ट देना है तो उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके अप्लाई करना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आएंगे। चलो अभी एक या तो दो ही क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2-2-3 सिंपल है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे आपको करना है। क्या करना है, सिलेक्ट रोज 10 और 11। फर्स्ट वन आपको क्या करना है, रो नंबर 10, 11 सिलेक्ट करना है, उसको मूव करना है। मूव करना मतलब क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। मतलब एक फाइल को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना है, एक सेल को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाने का हम लोग क्या करें, मूव करने मतलब क्या करने। चलो चैट बॉक्स में आइए, आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर दिया है भरत, कट और पेस्ट, बराबर है, करेक्ट आंसर है। जो भी फाइल है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी सेल है, उसको एक जगह से उठा के किसी और जगह पे लेके जाना है तो हम लोग यूज करेंगे कट एंड पेस्ट, मतलब मूव करेंगे। फाइल ओपन करेंगे, मार्कशीट 2013। फाइल ओपन होने के बाद सबको ये क्वेश्चन बैंक अपने घर में ही लेके जाना है। पूरी एक भी क्वेश्चन स्किप किए बिना आपको सबके सब क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने। हाँ देखो अभी क्या करने, क्वेश्चन देखिए एक बार, सिलेक्ट 10, 11, रो नंबर प्रॉपर नंबर दिया 10, प्रॉपर नंबर दिया 11, तो प्रॉपर नंबर पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। 10, 11 सिलेक्ट करेंगे, 10 पे क्लिक किया, सिंगल क्लिक से हम लोग नीचे, मतलब ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे तो एक सिलेक्ट हो जाएगा, एक सिलेक्शन निकल जाएगा। तो जैसे 10 पे क्लिक करते माउस को छोड़ना नहीं है, 11 पे सिलेक्ट करेंगे, बराबर है। देन कट करेंगे, राइट क्लिक करके करेंगे कट, तभी भी चलेगा, कट करेंगे। कट करने के बाद उनको कहाँ पे लेके आना है, 7 और 8 पे। तो 7 सेम उसी तरह से एक क्लिक करके दोनों हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट, बराबर है। स्क्रीन के ऊपर इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। हेलो स्टूडेंट, मूव करना है मतलब कट पेस्ट करें। एक बार फिर से देखो, हाँ यहाँ पे देखो, और एक सिंपल दिखाती हूँ। अगर आपको 10 और 11 ये दोनों है, ऐसे सिलेक्ट करेंगे कभी भी चलेगा, 3 हो गए मेरे से, 2 ही सिलेक्ट करने, बराबर है। सिलेक्ट करने के बाद मूव करना है, मूव करने मतलब क्या करेंगे, उसको बॉर्डर पे जाएंगे और उसको उठा के क्लिक करके उठाएंगे और जो भी नंबर दिए 7-8 वहाँ जाके छोड़ देंगे,
इस तरह से कब मूव करेंगे, ड्रैग ड्रॉप करेंगे तभी भी चलेगा, कट पेस्ट करेंगे तभी भी। प्रॉपर नंबर दिया है तो आपको नंबर पे क्लिक करके ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि 5-6 रो नंबर बोले उन्होंने, ठीक है, 10-11 का है, तो जो भी रो नंबर है प्रॉपर क्लिक कीजिए और प्रॉपर आप लोग उसको यूज कीजिए। ठीक है, आज के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए, चार्ट बॉक्स में आइए। जो भी क्वेश्चन मैंने आज आपको दिखाए सबको समझ में आ रहे हैं? हाँ, अभी जो 29 सेशन है उसको